नमस्कार दोस्तों, सियांग बर्ड्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज काइंग टाउन में सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंप चला रहा है। इस प्रोग्राम को कवर अप के लिए हमारा सियांग बर्ड्स न्यूज टीम यहाँ आया है और अब भी बने रहे मेरा साथ। एंड द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कमिंग फ्रॉम एल्सवेयर एंड माय बिलीवर स्टूडेंट्स, इट्स अ हाई टाइम, इट्स अ डिमांड ऑफ द टाइम to conduct such an awareness campaign, since the total world, presently total world has been seen to have plunged in the sea of drugs. It's a great challenge for the new generations. It's a challenge for the new world. That's why I think it will be, certainly it will help that, enable the students to come onto the main track and even the wrong track of using drugs. Lastly, I would like to thank, welcome all the personalities related to this program. Thank you. काइंग सर्कल की ओर से हमारे एबीआरसीसी थकेन पाली, एक्चुअली आउट द प्रिपेयर एंड आई वाज अवेयर ऑफ दिस एजेंडा, ये एजेंडा में आपको बताने का मुझे पता नहीं था, दैट इज व्हाई आई वाज रेडी स्टिल मोस्ट रेस्पेक्टेड सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन अपोशिनेट ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ताकुनी तामिन एंड जनरल सेक्रेटरी तरा तपाक एंड योर टीम्स. So I would like to introduce myself, Sri Thakkar Pani, Work Coordinator, Kai Pai Educational Club. So like our proper speaker, I also would like to extend my heartiest thanks. This is somewhat like this vote of thanks. So I would like to thank Sihar District Student Union for organizing such a wonderful program. These students are doing a lot of this program. So you people are doing great job. I really appreciate all of you. So just highlighting the scenario in school. Of my blog, I would say that in our blog we have seven government schools at present, and three private schools. All other schools have been debunked for the reason based on to all of you also. So actually one of the reasons I think is this lack of proper infrastructure. So I request SDSU team to look into the matter of this infrastructure problem. So with this few words, I would like. मान लो आपको कोई जो है एप्पल दिया है, आप एप्पल को एक बार बाइट गया,
आप एप्पल को बाइट करने से क्या होता है, यू आर मोर लाइकली टू बाइट इट अगेन. व्हाई? क्योंकि वो टेस्टी है, उसमें मजा है एप्पल खाने में. वो किस तरह होता है? क्योंकि जब आप एप्पल खा रहा होता है तो उस समय आपका ब्रेन में एक केमिकल जो है प्रोड्यूस होता है जिसको बोलता है डोपामाइन. तो वो रिलीज होने का कारण आपका माइंड जो है आपको बोलता है लेट्स डू इट अगेन. ऐसा होता है ना. सो लाइकवाइज अगर आप पत्थर खाएगा, कुछ खराब वाला चीज आप जैसे से बाइक कर देगा, आपका माइंड जो है उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करेगा. क्यों रिजेक्ट करेगा? क्योंकि आप मालूम है ये पत्थर है, ये खराब है, गंदा है, टेस्टी नहीं है. सो कमिंग टू मूड एंपरिंग सब्सटेंस, इसमें हमको थोड़ा समझने का जरूरी है. जैसे आप लोग इधर में गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलने वाला भी होता होगा, फुटबॉल खेलने वाला भी होता होगा. तो फुटबॉल खेलने से क्या होता है, शाम को फुटबॉल खेला आप घर में शाम को जाके रेस्ट कर रहे हैं, बिस्तर में लेते हैं, आपको एक मजा होता है, फीलिंग आता है. वो किसके आता है? वो आपका डोपामिन का कारण है. जब आप फुटबॉल खेलते हैं, कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपका डोपामिन जो है इस लेवल में रिलीज होता है. उसी तरह से अगर आप सोए, सोने से आपका डोपामिन जो है इस लेवल में रिलीज होगा. उसी तरह से आप इच्छा में सिंगल में आपका 300 जो नंबर है ना, 300 नंबर जो एचआईवी पॉजिटिव आएगा, आपका पूरा ड्रग यूज आता है. 300 Yes, please.
board. I would like to conclude my speech. Thank you. Siapa saja amara SP suka komisar presiden yang tak ada pembayaran. Jadi SPDS ini, ini use, misuse or abuse. Amara yang bayar dan bayar.